Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hafiz Muhammad Uskarni and you are watching my YouTube channel that is Free Learning for All Exams. As you know, I have done my MPhil in teacher education from Iqra University. So today I am going to teach you the five stages of human development of Sigmund Freud. Sigmund Freud ka jo school of psychology hai, we have learned in our previous video. और आज जो है हम फाइव स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे. आज का वीडियो थोड़ा जो है इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ा हटके है और इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर है जो हमारे माशरे के अंदर अक्सर जिनके ऊपर बात नहीं की जाती. बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो थ्योरी है उसमें कुछ बातें बिल्कुल सच्ची हैं और कुछ बातें बिल्कुल ही जो है आउट ऑफ साइड हो जाती हैं, ठीक है. तो आज के टॉपिक के अंदर आपका थोड़ा माइंड जो है वो बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए ताकि आपको इस थ्योरी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चल सके. और इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई गिवन व्हाट्सएप नंबर. यू विल गेट दिस टाइप ऑफ वीडियोज, एमसीक्यूज, पीपीटीज एंड हैंड रिटन नोट्स ऑन डेली बेसिस. तो चलिए आज के वीडियो की तरफ चलते हैं. सबसे पहले जी सिगमंड फ्रॉइड. सिगमंड फ्रॉइड जो है उन्होंने का जो मतलब पूरी डेवलपमेंट थ्योरी है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी, वो स्टेजेस के ऊपर चलती है, ठीक है. कितने स्टेजेस हैं उसके? फाइव स्टेजेस हैं, ठीक है. अगर मैं एक ओवरव्यू की बात करूं तो टोटल जो स्टेजेस हैं सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के, वो टोटल जो है वो फाइव हैं. अब ये जो बात करते हैं ना, ये एक बात करते हैं लिम्बिडो की, ठीक है. लिम्बिडो क्या है? लिम्बिडो है एक सेक्सुअल एनर्जी. सेक्सुअल एनर्जी जो है वो एक्सप्रेस इन डिफरेंट वेज थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. इनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरी है वो सारी डिपेंड करती है लिम्बिडो के ऊपर, ठीक है. इन्होंने इस चीज के ऊपर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके ऊपर क्रिटिक्स भी बहुत हुआ था. लास्ट के अंदर हम वो क्रिटिक्स भी देखेंगे. बट आपको ये बात जहन में हो कि जब भी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी की बात आएगी ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो उनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है लिम्बिडो. अब लिम्बिडो क्या है? वो एक सेक्सुअल एनर्जी है, ठीक है. अब इनका क्या कहना है जिंदगी के हवाले से? ये कहते हैं लाइफ वॉज बिल्ड अप अराउंड टेंशन एंड प्लेयर. ये कहते हैं कि जो जिंदगी है वो टेंशन और प्लेयर की इर्द गिर्द घूमती है. Freud also believed that all tensions was due to the buildup of libido sexual energy and that all pleasure came from its discharge. अब यहाँ पे जो है फ्रॉइड ये कहते हैं कि जितनी भी टेंशन होती है ना इंसान को, वो होती है लिम्बिडो की वजह से. मतलब आपको जो भी टेंशन हो रही है जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर जो आपको टेंशन हो रही है, वो इसको ट्रम दे देते हैं लिम्बिडो. और इसको ये कहते हैं कि ये एक सेक्सुअल एनर्जी है. जब इंसान जो है जब डिस्चार्ज हो जाता है या मतलब एक खुशी हासिल करता है, तो क्या होता है कि उसको जो टेंशन होती है वो खत्म हो जाती है. तो ये जो दो चीजें हैं टेंशन और प्लेयर, ये इसके ऊपर बात करते हैं. ये कहते हैं कि जो टेंशन इंसान को लाइफ के अंदर आती है वो आती है सेक्सुअल एनर्जी की वजह से, और फिर जब वो सेक्सुअल एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है तो इंसान प्लेयर फील करता है और यही ह्यूमन डेवलपमेंट चलती है. और इसी पूरे प्रोसेस को वो अपने पांच जो स्टेजेस हैं उसके अंदर डीपली डिफाइन करते हैं. फ्रॉइड स्ट्रेस दैट फर्स्ट फाइव ईयर ऑफ लाइफ आर क्रूशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी. ये कहते हैं कि जी शुरू के जो पांच साल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एडल्ट पर्सनैलिटी के लिए. ये अभी हमने पिछली वीडियोस में एक ईगो और सुपर ईगो पढ़ा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो काइंडली पिछला वीडियो लाजमी तौर पे देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इड और जी ईगो और सुपर ईगो के दरमियान क्या है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के अंदर फर्क क्या है. सो द इड मस्ट बी कंट्रोल्ड, सेटिस्फाई सोशल डिमांड्स. तो जो इड है वो किसके ऊपर फोकस करता है? सोशल डिमांड्स के ऊपर फोकस करता है, ठीक है. उसको फुलफिल किया जाए जो इमीडिएट नीड्स होती हैं. This sets up a conflict between frustrated wishes and social norms. जैसे छोटा बच्चा होता है ना,
वो कभी भी कोई चीज के बारे में सोचता है तो वो कहता है जल्दी जल्दी हो जाए, और जो बड़ा होता है बड़ा वो जल्दी जल्दी कोई भी काम नहीं करता, सोच समझ के सुकून से करते हैं। अगर आप छोटे बच्चे देख लें, उनको जल्दी से कोई चीज नहीं मिलती तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाना शुरू हो जाते हैं। तो इड को आप डेविल भी कहते हैं। उसके बाद है ईगो। ईगो एंड सुपर ईगो डेवलप्स इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज दिस कंट्रोल एंड डायरेक्ट द नीड फॉर ग्रेटिफिकेशन इनटू सोशली एक्सेप्टेबल चैनल्स। अब जो है, जो ईगो है, ईगो और सुपर ईगो, ये क्या करता है, ये हमें सिखाता है कि किस तरह हमने कंट्रोल करना है और अपने आप को ग्रेटिफिकेशन देनी है जो कि हर एक सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल हो। अब उसके बाद द रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देखें ये जो है, ये जो बात है सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी की, ये रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है। जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो टेंशन आएगी, ठीक है, ये बात आप जहन में रखें। जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो क्या आएगी, टेंशन आएगी। अब ये रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह देखते हैं उसको भी देख लेते हैं। ईच स्टेज इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट दैट मस्ट बी रिजॉल्व बिफोर द इंडिविजुअल कैन सक्सेसफुली एडवांस टू द नेक्स्ट स्टेज। ये कहते हैं कि जी जो हर स्टेज का एक अलग कॉन्फ्लिक्ट है और उस कॉन्फ्लिक्ट को अगर रिजॉल्व नहीं किया जाता तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर वो अगले स्टेज पे पहुंचते हुए, पहुंचने से पहले पहला स्टेज अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो अगले स्टेज पे जाएगा। पर काफी हद तक ये बात मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि काफी स्टेजेस में हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका भी एक स्टेज पूरा नहीं होता और वो दूसरे स्टेज में चले जाते हैं। तो ये आप अपना, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लाजमी तौर पर होना चाहिए। अब ये एक एग्जाम्पल देते हैं, मिलिट्री ट्रूप्स ऑन द मार्च। अब देखें मार्च लिखा हुआ है, यहाँ पे मैच आ गया है, ठीक है जी। तो मिलिट्री ट्रूप्स हैं, जब वो किसी चीज के ऊपर चढ़ाई करते हैं तो वहां पे उनको रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मिलता है। रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किस तरह, उनके सामने रेजिस्टेंस आता है, तो अगर वो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं जी, तबाह कर देते हैं और उस चीज को कॉन्क्वर कर लेते हैं तो फिर उनको मोटिवेशन मिल जाती है और फिर वो आगे जाते हैं। तो रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह ये बताते हैं कि अपोजिशंस आपको मीट होती है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब यही वाली चीज वो बताते हैं कि हर जो आपका स्टेज है ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसके अंदर रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है, उसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है ताकि आप नेक्स्ट स्टेज के अंदर जा सकें। अब आप नेक्स्ट स्टेज के अंदर कैसे जाएंगे, अगर वो जो इश्यू है उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, उसे कहते हैं फिक्सेशन साइकोलॉजी। अब फिक्सेशन साइकोलॉजी करती क्या है, ठीक है जी। Some people cannot leave one stage and proceed to the next. काफी दफा होता क्या है, वही जो मैंने बात की कि काफी दफा आपका जो एक स्टेज पूरा नहीं होता और आप दूसरे स्टेज पे चले जाते हैं। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, इफ अ पर्सन डज नॉट मीट एडिक्वेटली, अगर एक शख्स को एक चीज नहीं मिलती, अगर उसका, अभी जब हम आगे इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से बातें सारी समझ आएंगी। अभी ये मैं टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ, थ्योरी की तरफ तो अभी हम चलेंगे, बहुत डीप में इसको पढ़ेंगे। तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी कोई नीड, जैसे एक बच्चा है, बच्चे को टॉफी चाहिए और टॉफी नहीं मिलती, तो जो इसका इड पर्सनैलिटी है वो क्या करती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि मुझे क्यों नहीं मिली। आप देखेंगे उसके रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन उसे कहते हैं जो इंसान जाहिर करता है। उसके बाद है ओवर इंडिविजेंस, इसका मतलब क्या है, द पर्सन नीड्स मे हैव बीन सो वेल सेटिस्फाइड दैट ही शी इज रिलक्टेंट टू लीव द फिजियोलॉजिकल बेनिफिट। जैसे आप कहते हैं ना, किसी को अगर खाना ज्यादा मिल रहा है और उसको कहा जाए कि कमाओ, तो वो कैसे कमाएगा, उसको खाना मिल रहा है बेतहाशा और ये उसके पास कोई टेंशन ही नहीं है, तो वो क्यों कमाएगा। मतलब एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जो चीज आपके पास आ जाए वो भी क्या होती है, आपके लिए नुकसानदेह होती है, वो रिलक्टेंट कर देती है आपको एक्शंस लेने के ऊपर। अब फिक्सेशन साइकोलॉजी है क्या असल में, ठीक है, ये दोनों टर्म्स बताएं, बोथ फ्रस्ट्रेशंस एंड ओवर इंडिविजेंस मे लीड टू व्हाट साइको एनालिस्ट कॉल्ड फिक्सेशन। अब इन दोनों के दरमियान का रास्ता जो है वो है फिक्सेशन साइकोलॉजी, और यही रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा जो है खत्म करेगी। तो ये हमने बेसिक सी सारी चीजें जो है, मैंने टर्मिनोलॉजी जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमारे पास सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी के हिसाब से, वो हमने स्टडी कर लिए। अब हम इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं, इसके 5 स्टेजेस है, आपने ये याद रखना है। अब एक स्टेज को 1 by 1 करके पढ़ते हैं। तो पहला स्टेज आपने ये देखना है ओरल स्टेज, ओरल स्टेज बर्थ टू
फर्स्ट ईयर मतलब एक साल तक इनका ओरल स्टेज है। अ बेबी लिम्बिडो और इनेट प्लेयर सीकिंग एनर्जी इज फोकस ऑन माउथ। अब ये कहता है कि जो बच्चा होता है ना उसका जो बेबीज लिम्बिडो होता है वो किस चीज के ऊपर होता है, मुंह के जरिए होता है। वो मुंह से क्या हासिल करता है, प्लेजर हासिल करता है। वो हर चीज आपने बच्चों को देखा होगा कि वो क्या कर रहे होते हैं, हर चीज को चूसना शुरू कर देते हैं, काटते हैं, चबाते हैं और जैसा कि वो दूध पीते हैं। तो ये सारी चीजें जाहिर करती हैं बच्चे को कि बच्चे की जो एक साल तक की उम्र है वो उसका ओरल स्टेज होता है और उसके दौरान वो अपना माउथ प्लेजर जो है उसके ऊपर फोकस करता है। बेबी जो है गेट सेटिस्फेक्शन बिल्कुल थ्रू द माउथ टू सेटिस्फाई हिज और हर लिम्बिडो। अब ओरल फिक्सेशन इसके अंदर किस तरह होती है, अ चाइल्ड अंडरफेड और फ्रस्ट्रेटेड ड्यूरिंग फीडिंग माइट बिकम अ पेसिमिस्टिक इनवियस और सस्पिशियस अडल्ट। अब ये कहते हैं कि जो बच्चा जो है मतलब दूध पूरा नहीं पीता, ठीक है, अच्छे तरीके से नहीं पीता और डरता रहता है या उसको छुड़वा दिया जाता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी बन जाती है, उसकी पैसिमिस्टिक पर्सनैलिटी बन जाती है। मतलब ऑप्टिमिस्टिक नहीं, हर चीज में क्या करता है वो जो है नेगेटिव साइड ऑफ पिक्चर हमेशा देखता है। अच्छा, अ चाइल्ड हु इज ओवरफीड ग्रेटिफाइड चाइल्ड बिकम ऑप्टिमिस्टिक। और जो बच्चा बहुत ज्यादा दूध पी लेता है वो क्या बन जाता है, वो ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है। अब ओरल पर्सनैलिटी के जो लोग हैं वो आपको अपने इर्द गिर्द मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब आपने इसकी फिक्सेशन कैसे करनी है, ना आपने बच्चे को जो है ओवर इंटेलिजेंस करना है, ना आपने उसको फ्रस्ट्रेशन दिखानी है। आपने क्या करना है, उसकी ओरल फिक्सेशन करनी है, उसकी जितनी जरूरत है उसको सिर्फ उतनी जो है मतलब माँ का दूध पिलाना है। तो दोनों साइड के ऊपर क्या है, हमारे पास इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो ओरल पर्सनैलिटी आप लोगों को काफी दिखेगी। जो स्मोकर्स हैं मुआशरे के अंदर आपको हर जगह पर मिल जाएंगे स्मोकर्स। एक होते हैं जो फैशन के तौर पर पीते हैं, पर एक होते हैं जो स्टार्टिंग से ही स्मोकिंग करते हैं, या अगर स्मोकिंग नहीं कर रहे तो आपने अक्सर बच्चों को जो है नाखून खाते हुए देखा होगा। नाखून खाते हैं काफी बच्चे, बहुत ज्यादा खाते हैं, और काफी बच्चों को आपने ये लाजमी तौर पर देखा होगा कि अंगूठा उनके मुंह के अंदर होता है। तो ये सारी चीजें जो है ये ओरल पर्सनैलिटी को जाहिर करती हैं। ओरल पर्सनैलिटीज एंगेज इन सच ओरल बिहेवियर पर्टिकुलरली व्हेन अंडर स्ट्रेस। भाई जब भी वो टेंशन में होंगे ना तो वो आपने अक्सर देखा होगा लोग जो जैसे सिगमंड फ्रॉयड ही थे, खुद इनके एग्जांपल ले लें तो ये श्रृंगार पिया करते थे ना, जिसकी वजह से इनको बकल कैंसर भी हो गया था। तो ये खुद एक कौन सी पर्सनैलिटी थे, ओरल पर्सनैलिटी थे। अच्छा जी, तो ये कहते हैं जब भी लोगों को कोई टेंशन होती है या फ्रस्ट्रेशन होती है तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई टेंशन आ गई तो नाखून खाने लग जाते हैं जोर जोर से, यहाँ क्या कहते हैं अंगूठा चूसने लग जाते हैं, स्मोकर। ये पर्सनैलिटी जो है वक्त के हिसाब से ये जो ओरल पर्सनैलिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। सो ये था इनका पहला स्टेज। दूसरे स्टेज की तरफ चलते हैं जो कि है अनल स्टेज। अनल स्टेज जो शुरू होता है वो 1-3 ईयर तक होता है। लिम्बिडो बिकम्स फोकस ऑन द अनस एंड द चाइल्ड ड्राइव्स ग्रेट प्लेयर फ्रॉम डिफीटिंग। अब यहाँ पे जो है जो बच्चा है वो किस चीज के ऊपर फोकस करता है, वो फोकस करता है, इसकी एक एग्जांपल दी जाती है टॉयलेट की, ठीक है। बच्चे को टॉयलेट जो होता है ना वो करने में बच्चे को यहाँ पे इस उम्र के अंदर टॉयलेट करना सिखाया जाता है, क्योंकि जब छोटा होता है तो उसको पैम्पर्स लगाए जाते हैं या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं उन लोगों को पता है, तो उसके जरिए जो है बच्चे को जो भी उसकी मिसाल के तौर पे जो भी उसके पॉटी निकलती है उसको क्या किया जाता है या उसका जो भी यूरिन होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। बट बच्चे को इस स्टेज के दौरान जो है फोकस करवाया जाता है कि आपने टॉयलेट किस तरह जाना है, अपना यूरिन किस तरह आपने डिस्चार्ज करना है। तो ये सारी चीजें इस जो स्टेज है उसके अंदर माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं, और बच्चा जो है इसी चीज में से क्या हासिल करता है, वो प्लेजर हासिल कर रहा होता है। अ चाइल्ड हु टेक्स प्लेजर इन कंट्रोलिंग और रिलीजिंग देयर बाउल। जब भी वो वॉशरूम जाता है, वो पॉटी करता है, तो उसको क्या मिलता है, उसको प्लेजर मिलना शुरू हो जाता है। अब इसकी फिक्सेशन कैसे होती है, मिसाल के तौर पर इसकी कुछ एग्जाम्पल्स में आपको बता देता हूँ ना। अर्ली और हार्श पॉटी ट्रेनिंग, मतलब बच्चे को सिखाया जाता है कि आपने ये जगह बनी हुई है, इस जगह के ऊपर इस तरफ मुंह करके ही बैठना है,
आपने सुबह सुबह जाना है, आप फिर शाम से पहले नहीं जा सकते, या वॉट एवर, दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपनी जो है पॉटी करनी है। अब जब आप उसको बिल्कुल पंचुअल बना देते हैं, तो मतलब आपने ये रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, तो वो बड़ा होकर जो उस बच्चे की पर्सनैलिटी है वो रिस्पेक्टफुल ऑफ अथॉरिटी बन जाती है। वो हमेशा पंचुअल भी होता है, हमेशा काम अपना वक्त के ऊपर करता है, और जी अथॉरिटी मतलब जो उससे हायर अथॉरिटी होती है उसको हमेशा फॉलो करता है। वो कहता है मुझे हायर अथॉरिटी की तरफ से हमेशा कमांड है और मैं उसको ओबे करूं, जो एक साइड इफेक्ट है इस पूरी हमारी पर्सनैलिटी का। अच्छा, अगर जी लिबरल टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, माँ बाप जो है बच्चों को नहीं सिखाते और कहते हैं कि जी आप जाएं, उनको इस वे में सिखाया जाता है कि उनके ऊपर स्ट्रेस ना डाला जाए, तो उससे क्या होता है कि उस बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो हमेशा जो क्या होता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा होता है, क्रिएटिविटी यहाँ पे आती है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये सिगमंड फ्रॉयड कह रहे हैं, उसकी थ्योरी के अंदर आ रहा है, आप इससे एग्री करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पता लगे स्टूडेंट ये समझ रहे हो सर ये आज क्या कह रहे हैं, ये कहां से क्रिएटिविटी आ रही है। तो आप सिगमंड फ्रॉयड की अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जो कि मैं आपको कह रहा हूं बिल्कुल यही आपको वर्ड्स, यही बिल्कुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। दे शेयर थिंग्स विद यू मैसी डिसऑर्गेनाइज एंड रिबेलियस। अब जो बच्चे को बिल्कुल ही ट्रेनिंग नहीं मिलती या कोई उसको बताता ही नहीं है कुछ, तो उसकी लाइफ डिसऑर्गेनाइज हो जाती है और जो है वो एक क्या बागी टाइप का एटीट्यूड शो करता है। अब जी थर्ड स्टेज जो है वो है फैलिक स्टेज, जो कि 3 to 6 ईयर तक जो है चलती है। इसके अंदर जो चाइल्ड का लिम्बिडो है वो फोकस करता है देयर जेनिटल एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्लेयर अट्रैक्टेड और नोटिस अपोजिट जेंडर। जब बच्चे इस उम्र तक पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि देयर आर 2 types ऑफ जेंडर, एक है मस्कुलिन और दूसरा है फेमिनिन। तो वो इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि क्यों जो है हम लोग अलग अलग हैं, कौन सी चीजें मेल और फीमेल को अलग अलग करती हैं। तो बच्चे का जो लिम्बिडो है वो इस चीज के ऊपर अट्रैक्ट होता है, अपोजिट जेंडर के ऊपर। मिक्सचर ऑफ इमोशंस आते हैं, एरोटिक अट्रैक्शंस होती है, राइवलरी होती है, जेलसी होती है, फेयर आता है, मतलब ये मिक्स फीलिंग्स है। हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग अलग तरह की हो सकती है और काफियों में इन चीजों का मिक्सचर भी हो सकता है। अब कलेक्टिवली स्ट्रम्स को जो है वो हमारे सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स इन बॉयज के अंदर हो जाता है, मतलब वो ये देखते हैं कि हम गर्ल्स से क्यों अलग हैं। उनको इरोटिक अट्रैक्शन होती है, राइवलरी होती है, जेलसी और फेयर भी होता है। और गर्ल्स के अंदर होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन गर्ल्स के अंदर होता है। ये दो अलग अलग क्या है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप की फीलिंग्स हैं जो कि अपोजिट जेंडर्स में एक दूसरे के लिए होती हैं। बच्चा ये देखता है कि फीमेल है तो फीमेल मुझसे अलग क्यों है, किस तरह है, और अगर ये क्या कहते हैं ये मेल है तो ये किस तरह मेरे जैसा है। तो इस तरह की फीलिंग्स बच्चों को आ रही होती हैं। दिस पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू आइडेंटिफिकेशन। फिर बच्चा जो है आइडेंटिफिकेशन जब उसको आ जाती है तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम एज के जो है अपने जैसे बेटा है तो वो जो है अपने बाप को देख के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अडॉप्ट करेगा। इसी तरह ही बेटी है तो वो अपनी माँ को देख के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट करेगी। अगर जो है इनके जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो बच्चे के साथ सेक्सुअल डिसफंक्शंस का प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम्स विद जेंडर आइडेंटिटी और डिफिकल्टीज इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप। अब अगर किसी शख्स को इस स्टेज के अंदर एक अच्छी जो है गाइडेंस नहीं मिली, उसको कोई बताने वाला नहीं था, तो उसकी सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है वो, और उसकी जेंडर रिलेशनशिप के अंदर काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ऐसा सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं। मैन फील एन एंजाइटी अबाउट सेक्सुअल परफॉर्मेंस। जो इंसान है जो मेल है अगर उसके जो है फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी तो वो हमेशा सेक्सुअल परफॉर्मेंस के ऊपर क्या करेगा, एन एंजाइटी फील करेगा, वो डरता रहेगा इन चीजों से। और वुमेन आर डिजायर टू डोमिनेट मैन, राइवलरी विद अदर वुमेन एंड नीड फॉर मेल अटेंशन और अप्रूवल। और जो वुमेन होगी वो हमेशा ये चाहेगी कि मैं जो मर्द है उसके ऊपर डोमिनेट रहूं, वो मेरी बातें माने,
राइवलरी आ जाएगी दूसरी जो अक्सर दूसरी वुमेन्स हैं उनके साथ के, इसके पास ये चीजें मेरे पास क्यों नहीं है। और इसी तरह ही वो चाहती है क्या, नीड फॉर मेल अटेंशन और अप्रूवल, वो लाजमी तौर पे जो है अटेंशन चाहती है किसकी, मेल की। अच्छा जी, उसके बाद आगे हमारे पास जो फोर्थ स्टेज है वो है लेटेंसी स्टेज, जो कि 6 to 6 years to प्यूबर्टी तक रहता है। लिम्बिडो इज डॉर्मेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज के अंदर जो ह्यूमन है उसका जो लिम्बिडो है वो बिल्कुल ठंडा रहता है, रिलेटिव कॉम के अंदर चला जाता है। बच्चा जो है लर्निंग के ऊपर फोकस करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो KG 1 KG 2 के अंदर आ चुका होता है इस स्टेज के अंदर ना, स्टार्टिंग के अंदर। फिर वो 5th class तक जा रहा होता है, तो सोशल रिलेशनशिप और अदर स्किल्स वो उसका सीखता है, इसी के अंदर उसकी स्कूल्स, फ्रेंडशिप्स और हॉबीज बनती हैं। तो ये जो स्टेज होता है ये रिलेटिवली काम होता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है इसका वो है जेनिटल स्टेज, जो कि प्यूबर्टी टू अडल्ट एज तक होता है। अब अडल्ट जो है वो वेरी करता है, ठीक है, वेरी करता है, जरूरी नहीं है कहीं पे अगर अडल्ट जो है वो नियर अबाउट 12 ईयर में हो रहा है, कहीं 13 ईयर में हो रहा है, तो यहाँ पे कोई एज नहीं बताई गई, बस एक सिचुएशन बताई गई है। तो इस जो जेनिटल स्टेज होता है इसमें लिम्बिडो फिर रीमर्ज हो जाता है और वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स पेयर्स ऑफ द अदर सेक्स, मैच्योर अडल्ट सेक्सुअलिटी। तो जो है वो ये देखता है हेट्रोसेक्सुअल प्रेजर, मतलब वो दूसरा जो अपोजिट जेंडर होता है उसकी तरफ वो माइल होता है, ठीक है, वो अपोजिट जेंडर की तरफ माइल होता है और वहां से वो प्लेजर हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। टीनेजर्स हु बिगिन रोमांटिक इंटरेस्ट एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स अदर्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे काफी रोमांटिक्स हो जाते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो जाते हैं दूसरों की तरफ से, मतलब जो जेंडर होता है, और फ्रेमिंग मीनिंगफुल इमोशंस बॉन्ड विद अदर्स, और दूसरों के साथ वो एक अच्छे ताल्लुकात बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे मैच्योरिटी कहते हैं। तो ये तो हमने 5 stages बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जो है सिगमंड फ्रॉइड के देखे। अब हम थोड़ा सा क्रिटिक देख लेते हैं, क्रिटिक क्या है। अब काफी जो सिगमंड फ्रॉइड है उसके स्टेजेस हैं जिसके साथ मैं खुद एग्री नहीं करता, ठीक है, बट कुछ स्टेजेस के साथ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और वो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस भी उस तरह के देखे हैं। अब हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर इस तरह का कौन सा एक्सपीरियंस आया हो। ये इस तरह की बात है जो जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आपने फील की भी होती हैं बट आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की होती। इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर वो चीजें होती हैं, जब वो पढ़ता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता चीजें रिकॉल आना शुरू हो जाती हैं। हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें रिकॉल आई हों। सो इफ यू वॉन्ट टू शेयर दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन शेयर दिस ऑन माई गिवन नंबर, ताकि मुझे पता चल सके कि अगर आप शेयर नहीं भी कर सकते तो आपको सिगमंड फ्रॉइड की बातें काफी हद तक आपके माइंड के अंदर जाएंगी, ठीक है। बट ओवरऑल इसके ऊपर ज्यादा एग्जैजरेट करना ये बिल्कुल ही एक गलत बात है, ठीक है जी, बस जस्ट नोटिस के लिए। क्रिटिक्स देखते हैं जी इसके ऊपर क्या है। तो फ्रॉइड थ्योरी इज गुड एक्सप्लेनिंग बट नॉट एट प्रिडिक्टिंग बिहेवियर। इनकी जी एक्सप्लेनिंग है बट प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते के साइंस के एतबार से, आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं बस बिहेवियर को, पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। द थ्योरी इज अनफलेसिबल नाइदर बी प्रूव्ड ट्रू नॉट रिफ्यूटेड। भाई ये ऐसे ही थी ना, ये प्रूव हो सकी है ना इसको जो है बिल्कुल ही गलत साबित किया जा सके, पर बीच के अंदर फंसी हुई है, सही है ना, इसके इसको फुली एग्री कह सकते हैं ना इसे फुली रिजेक्ट किया जा सकता है, तो एक बीच के अंदर है। वही बात जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आपको भी बहुत सारी चीजों का पता चलेगा जो आपको बाकायदा क्लिक होंगी अपने माइंड के अंदर। लिम्बिडो इज डिफिकल्ट टू टेस्ट एंड मेयर ऑब्जेक्टिविटी। भाई लिम्बिडो है क्या, हम कैसे उसको मेयर करें, उसकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड की पूरी थ्योरी जो है इसके रिवॉल्व जो है फिर रही होती है। Fluid theory is highly unscientific. Scientifically, you cannot approve all these stage development. Fisher, अच्छा अब एक बंदा है कुछ एक रिसर्च आई थी जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था, वो कौन थे, Fisher and Greenberg argued that Fluid theory should be evaluated in terms of specific hypothesis rather than as a whole. भाई hypothesis के through के ऊपर आप इसको evaluate कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको पूरी पर्सनैलिटी के हिसाब से नहीं लेके जा सकते, बस हाइपोथेसिस के लिए ये आपको काम आ सकती है। बट ये कहते हैं कि जी जो कॉन्सेप्ट है ओरल और अनल पर्सनैलिटी का उसको ये लोग सपोर्ट करते हैं,
ये एक चीज है जो सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी को सपोर्ट किया गया है, बाकी जो तीन फेजेस है उनको बिल्कुल ही निग्लेक्ट किया गया है। सो होपफुली आपके जो है बहुत सारे सवालात भी दिमाग में आ रहे होंगे, तो आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन आ रही है, किसी किस्म के सवालात आ रहे हैं, यू कैन आस्क मी। और आपने आज बहुत अच्छे तरीके से सिगमंड फ्रॉयड को समझा होगा। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज में हम देखेंगे कि जी हमारे पास, मैंने ज्यादा एमसीक्यूज नहीं बनाए, मेरे पास सिर्फ 5 एमसीक्यूज हैं। उन 5 एमसीक्यूज को आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने राइट ऑप्शन लिख के उसके बाद फिर वीडियो को आप प्ले कर सकते हैं। तो चलिए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ये है जी आज के 5 एमसीक्यूज, बिल्कुल आसान से, इसी जो हमारा आज का लेक्चर है इसके अंदर सही है। सो होपफुली आप लोगों ने अपने राइट ऑप्शंस लिख लिए होंगे। अब चलते हैं राइट ऑप्शंस की तरफ। तो ये रहे राइट ऑप्शंस, आपके एटलीस्ट 4/5 लाजमी तौर पे आने चाहिए। अगर आपके इतने सही नहीं आए तो आप काइंडली वीडियो को दोबारा देखिए, आपको इन सारे सवालात के जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। एंड इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज फ्री लर्निंग फॉर ऑल एग्जाम्स। एंड इफ यू वॉन्ट टू एनरोल इन दिस कोर्स देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई गिवन नंबर, दैट इज 0300255660। यू विल एड इन टू पेड ग्रुप वेर यू गेट दिस टाइप ऑफ वीडियोज, नोट्स, पीपीटीज, एमसीक्यूज, हैंड रिटेड नोट्स ऑन डेली बेसिस। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज, बाय बाय।